أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني، يا عليم علمني، يا عليم علمني. ये मसाइल ज़कात के हवाले से दो दिन का कोर्स ही रखा गया है, तो आज ये हमारा पहला दिन है। इंशाल्लाह इस कोर्स में हम ज़कात से मुतालिक जो ज़कात के अहम मसाइल है और ज़कात के हवाले से जितनी अहम चीज़ें हैं उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, इसको बड़े तवज्जो के साथ और इन्हिमाक के साथ आप सब ने सुनना है और फिर इस पर अमल भी करना है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो लेक्चर के दौरान आप सवाल ना करें, सबक के आखिर में इंशाल्लाह सवालात का भरपूर मौका दिया जाएगा और आपकी तमाम सवालात के इंशाल्लाह तसली बख्श जवाब दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये देखें कि हम सबको मालूम है कि ज़कात इस्लाम के पांच बुनियादी अरकान में से है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा जो है इस बात से हम लगा सकते हैं कि कुरान मजीद में जहाँ जहाँ भी नमाज का जिक्र है वहाँ ज़कात का भी तज़किरा फरमाया गया है। तो गोया कि तकरीबन 32 मकामात पर नमाज के साथ ज़कात को जोड़कर बयान किया गया, वाकीमुस्सलात व आतुज़्ज़का, ये आयात आपने बार बार सुनी होगी। तो ये ज़कात और सलात यानी नमाज जो है ये सिर्फ दो इबादतें नहीं हैं बल्कि ये दो निज़ाम कायम करने का हुक्म दिया गया है। एक को निज़ाम सलात कहेंगे यानी अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला के हुकूक अदा करने के निज़ाम को कायम करने का उन्वान जो है वो निज़ाम सलात है, और निज़ाम ज़कात यानी मालियती हुकूक अदा करने और बंदों यानी गरीब इंसानों के हुकूक अदा करने और उन्हें अपने पाँव पर खड़ा होने में मदद देने का निज़ाम जो है वो निज़ाम ज़कात कहलाता है। तो ज़कात अदा करने के मुख्तलिफ फ़वाइद है, इससे माल का शर भी ख़त्म हो जाता है, इंसान जो है अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचता है, उसका माल पाकीज़ा हो जाता है, बाबरकत हो जाता है। 2.5% जब हम ज़कात अदा करते हैं जो हमारा बाकी माल होता है वो महफूज हो जाता है, बाबरकत हो जाता है, और ये गरीबों का, मसाकीन का, मुस्तहिकीन और ज़रूरतमंद अफराद की इमदाद का बेहतरीन ज़रिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मन अद्दा ज़कात मालिही फ़क़द ज़हब अन्हु शर्रुह, कि जिस शख्स ने अपने माल की ज़कात अदा कर दी उससे उस माल का शर दूर हो गया, ख़त्म हो गया। इसी तरह हदीस कुदसी है, قال الله تعالى يا ابن آدم انفق انفق عليك, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ए इब्न आदम कि आप खर्च करें, मैं आप पर खर्च करूँगा। इसी तरह ज़कात न देने पे मुख्तलिफ वाइदात वारिद हुई है, सिर्फ दो आयात आपके सामने पेश करूंगा। सूरह तौबा की आयत नंबर 34 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल्फिज़्ज़ता वला युन्फिक़ूनहा फी सबीलिल्लाह फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि जो लोग
सोना और चांदी जमा करती हैं और उसे अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करती, तो उनको दर्दनाक आजाब की खुशखबरी दे दीजिए। अब ये दर्दनाक आजाब की तफसील क्या है, अगली आयत में उसको बयान किया गया। यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, के जिस दिन उस दौलत को जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा और फिर उससे उन लोगों की पेशानियों और उनके पहलुओं और उनकी पुश्तों को दागा जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम, कि ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था, अब छको इस खजाने का मजा जो तुम जोड़ जोड़ कर रखा करते थे। अल्लाह ताला हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। शरीयत ने माल को जमा करने से मना नहीं फरमाया, हलाल तरीके से इंसान माल जमा करे शरीयत उससे मना नहीं करती। माल के जो हुकूक है वो इंसान अदा करता है तो शरीयत उससे मना नहीं करती, लेकिन अगर कोई शख्स माल के हुकूक अदा नहीं करता यानी ज़कात अदा नहीं करता, इसी तरह दीगर जो हुकूक है माल के वो अदा नहीं करता, तो ये माल उसके लिए वबाल जान और अजाब का सबब बनता है। इसी तरह बहुत से अहादीस मुबारक में ज़कात अदा ना करने पर मुख्तलिफ वईदात वारिद हुई है, आप मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ खुतबा से सुनते रहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद ज़कात के मसाइल वगैरह को सीखना है, इसलिए मुख्तसरन आपको एक आयत सुना दी। तो अब ये बात याद रखें कि ज़कात के अहकाम सीखना इसका क्या हुक्म है। तो अगर कोई आकिल बालिग मुसलमान मर्द या औरत जो है ज़कात के निसाब का मालिक हो, साहिब इस्तेताअत हो, तो उसके लिए ज़कात के मसाइल और अहकाम को जानना फ़र्ज हो जाता है, उसके लिए ज़कात के मसाइल और अहकाम को सीखना फ़र्ज हो जाता है। अगर उसमें वो कोताही करता है तो वो गुनाहगार होगा, अगर उसमें वो कोताही करता है तो वो गुनाहगार होगा। और जो शख्स साहिब-ए-निसाब ना हो तो उसके लिए ज़कात के अहकाम सीखना क्या है, मुस्तहब है। उसके लिए ज़कात के अहकाम सीखना मुस्तहब है। अब ये जो हमारा कोर्स है ज़कात के हवाले से, ये चंद अहम सवालात मैंने लिखे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, बयान करेंगे। तो ज़कात किस शख्स पे फर्ज है, इसी तरह ज़कात किन चीजों पे फर्ज होती है, और निसाब एक लफ्ज हम सुनते रहते हैं, निसाब किसे कहते हैं, कौन सी चीजें काबिल ज़कात अमवाल में से मनफी की जाएंगी यानी डिडक्टेबल एसेट्स कौन से हैं, ज़कात का हिसाब लगाने की तारीख क्या है, ज़कात का मुस्तहिक कौन है, ज़कात लेने का मुस्तहिक कौन है, इसी तरह कर्ज और शेयर्स में ज़कात के क्या अहकाम है, और कारोबार की जदीद सूरतों पे ज़कात के अहकाम क्या है, इन सब को इंशाल्लाह इन दो दिनों में हम पढ़ेंगे सीखेंगे। तो सबसे पहली बात कि ज़कात किस शख्स पे फ़र्ज है, सबसे पहली बात कि ज़कात किस शख्स पे फ़र्ज है, तो ज़कात जो है मुसलमान पे फ़र्ज है, काफिर पे ज़कात लाजिम नहीं है। नंबर दो, वो मुसलमान बालिग हो तो नाबालिग बच्चे या बच्ची के माल पे ज़कात नहीं है, नाबालिग बच्चे या बच्ची के माल पे ज़कात नहीं है। नंबर तीन,
वो इंसान आकिल हो, मुसलमान क्या हो, आकिल भी हो, तो मजनून और पागल के माल पे जकात नहीं है। इसी तरह साहिब निसाब हो, वो मुसलमान क्या हो, साहिब निसाब हो। निसाब किसे कहती हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह आगे तफसीलन पढ़ेंगे कि निसाब किसे कहते हैं, निसाब की कितने किस्में हैं। नंबर 5, साल पूरा हो चुका हो, साहिब निसाब होने के बाद उस पे एक साल पूरा गुजर जाए, ठीक है, मजीद तफसील आगे पढ़ेंगे कि हर हर चीज पे साल पूरा होना जरूरी नहीं है, बल्कि जब इंसान साहिब निसाब बन जाए, इंसान साहिब निसाब बन जाए तो उसके बाद साल पूरा हो जाए तो वो काफी है। अब अगर कोई शख्स साहिब निसाब बन गया और उस पर एक साल गुजर गया, एक साल गुजरने से 2 दिन पहले 5-6 लाख रुपए आ जाते हैं, अभी हालांकि 5-6 लाख रुपए पे पूरा साल नहीं गुजरा, सिर्फ 2 दिन गुजरे हैं, तो ये 5-6 लाख की भी जकात वो अदा करेगा, ठीक है। नंबर 6, माली वाजिबात से जायद हो, यानी लाइबिलिटीज जो है उससे जायद हो, तो कर्ज यूटिलिटी बिल्स वगैरह को मनफी के बाद जो बाकी बच जाए और वो निसाब के बराबर हो, तो ऐसी सूरत में जकात लाजिम होगी। तो इन तमाम चीजों का जब हम खुलासा निकालते हैं कि जकात हर उस मुसलमान शख्स पे लाजिम होती है, फर्ज होती है, जो साहिब निसाब हो, और साहिब निसाब बनने के बाद कम अज कम 1 साल हो चुका हो, कम अज कम 1 साल हो चुका हो, और साहिब निसाब किसे कहते हैं, तफसील से आगे पढ़ेंगे। मुख्तसरन यहां पे आप ये याद रखिए कि जिसकी मिल्कियत में मौजूद सोना, चांदी, नकद रकम, माली तिजारत का मजमुआ या इनमें से बाज का 52.5 तोला चांदी की मालियत के बकदर हो, और ये मकदार जो है ये भी कर्जों को मिनहा करने के बाद हो, यानी सोना, चांदी, नकद रकम, माली तिजारत को जमा करने के बाद पहले इसमें से कर्जे निकालेंगे और फिर उसके बाद अगर जो बाकी बच जाए, अगर वो 52.5 तोला चांदी की मालियत के बकदर होगा तो उस पर जकात लाजिम होगी। और आप सबके इलम में होगा कि इस साल यानी 1442 हिजरी में जकात के लिए जो निसाब मुकरर किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, यानी 52.5 तोला चांदी की मालियत का जो हिसाब लगाया गया है वो 80,933 है, 80,933 रुपए। अब हम देखेंगे कि जकात किन किन चीजों पे फर्ज होती है। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है कि जकात किन किन चीजों पे फर्ज होती है, तो काबिल जकात अमवाल यानी जकातेबल एसेट्स जो है वो 4 है। अगर किसी इंसान के पास ये 4 चीजें होंगी निसाब के बकदर तो उस पर जकात लाजिम होती है। इनके अलावा घर में जो बकिया अशिया मौजूद है, दीगर असासी हैं, उन पे जकात लाजिम नहीं होती अगरचे वो कितने ही कीमती क्यों ना हो। नंबर 1, सोना। नंबर 2, चांदी। नंबर 3, नकदी। और नंबर 4, माल तिजारत। तो अगर किसी इंसान के पास इन 4 अशिया में से कोई चीज होगी तो उस पे जकात लाजिम है वरना नहीं। इन 4 अशिया के अलावा घर के में, घर में जो बकिया चीजें मौजूद है, साजो सामान है, उन पे जकात लाजिम नहीं होगी। इसमें से हर एक की क्या तफसील है उसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो पहली चीज जो हमने पढ़ी ये सोना, सोना जो है ये काबिल जकात अशिया में से, जकातेबल एसेट्स में से, तो ये किसी भी फॉर्म में हो या किसी यानी किसी भी शक्ल में हो, ईंट की शक्ल में हो, ज्वेलरी यानी जेवर की शक्ल में हो,
बर्तन की शक्ल में हो, चाहे इस्तेमाल में हो या ना हो, हर सूरत में ज़कात लाजिम होगी इस पे। सोना किसी भी फॉर्म में हो तो उस पे ज़कात लाजिम होती है। नंबर दो, किसी भी मकसद के लिए हो, किसी भी पर्पस के लिए हो, चाहे दीनी मकसद के लिए हो, मसलन एक बंदे ने हज पे जाना है और उसके लिए सोना रखा हुआ है कि उसको बेच के वो हज पे जाएगा, उम्रे के लिए जाएगा, तब भी इस पे ज़कात लाजिम होगी। या दुनियावी कोई मकसद है, मसलन सोना इस मकसद के लिए रखा हुआ है कि बच्चों की शादियां करानी है या मकान बनाना है, तो बहरहाल उस सोने पे ज़कात लाजिम होगी। सोना किसी भी शक्ल में हो, किसी भी मकसद के लिए हो, उस पे ज़कात लाजिम होती है। इसी तरह चांदी की कंडीशन है कि किसी भी फॉर्म में हो और किसी भी पर्पस के लिए हो, चांदी पे भी ज़कात लाजिम होती है, चाहे ईंट की शक्ल में है, जेवर की शक्ल में है, बर्तन की शक्ल में है, इस्तेमाल में हो या ना हो, दीनी मकसद है या दुनियावी मकसद है, बहर सूरत ज़कात लाजिम होगी। ठीक है, अब तीसरी चीज जो है वो नकदी है। तीसरी चीज क्या है? वो नकदी है। तो नकदी पर भी ज़कात लाजिम है। अब ये भी किसी भी शक्ल में, यानी किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी मकसद के लिए हो, तो इस पर ज़कात लाजिम होती है। अब ये मुख्तलिफ सूरतें बयान की गई है कि नकद रकम जो है किन किन सूरतों में इंसान के पास हो सकता है। मसलन बैंक में डिपॉजिट कराए हुए हैं, बैंक में इंसान ने पैसे रखे हुए हैं, अपने हाथ में ही किसी के पास अमानत रखवाई है, सर्टिफिकेट या बॉन्ड्स की शक्ल में है, यानी उसने सर्टिफिकेट या बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं, या इसी तरह कमेटी उसने डाली है तो कमेटी में जो जमा शुदा रकम अभी तक जितने किस्तें जमा कराई है, इसी तरह हज या शादी के लिए उसने रकम जमा की हुई है, गैर मुल्की करेंसी की सूरत में है, डॉलर की सूरत में है, रियाल की सूरत में है, दिरहम की सूरत में है, किसी भी करेंसी की सूरत में हो, इसी तरह वाजिबुल वसूल कर्जे रिसीवेबल लोन्स, किसी को कर्ज दिया है या किसी को माली तिजारत बेचा है और पैसे अभी तक वसूल नहीं किए और उन पैसों की मिलने की उम्मीद भी है, तो इसी तरह इंश्योरेंस पॉलिसी में जमा शुदा जो रकम है, प्रीमियम जो है वो है, इसी तरह अगर किसी शख्स ने किराए पे कोई चीज खरीदी है तो एडवांस जो रकम जमा कराई है सिक्योरिटी के तौर पे, जो एडवांस रकम जमा कराई जाती है और काबिले वापसी होती है, तो इन तमाम किसी भी सूरत में अगर इंसान के पास नकदी होगी, किसी भी फॉर्म में हो और किसी भी मकसद के लिए हो, तो उस पर उसने ज़कात अदा करनी है। तो तीन चीजें हमारे सामने आ गई, सोना, चांदी, नकद रकम। सोना, चांदी, नकद रकम। अब चौथी चीज जो है हमारे पास माली तिजारत है। चौथी चीज हमारे पास क्या है? माली तिजारत है। अब माली तिजारत को आपने समझना है, माली तिजारत को बहुत तवज्जो के साथ समझना है। माली तिजारत में तीन शराइत होती है, माली तिजारत में तीन शराइत पाई जाती है। नंबर एक, कि आपने कोई चीज खरीदी हो, नंबर एक आपने कोई चीज खरीदी हो, अगर आपको कोई चीज गिफ्ट में मिलती है, विरासत में मिलती है, तो वो माली तिजारत में शुमार नहीं होगी। तो माली तिजारत की कैटेगरी में फॉल करने के लिए ये तीन शराइत जरूरी है। पहली शर्त कि वो चीज आपने खरीदी हो, अगर आपको कोई चीज गिफ्ट मिली है या विरासत में मिली है,
तो वो माली तिजारत नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि बेचने की नीयत से खरीदी हो, खरीदते वक्त बेचने की नीयत हो, तो अब इससे मालूम हुआ कि अगर खरीदते वक्त बेचने की नीयत नहीं थी, बाद में बेचने की नीयत हो गई, तो ये भी माली तिजारत नहीं है, ठीक है। और तीसरी शर्त यह है कि जकात कैलकुलेट करने की तारीख तक बेचने की नीयत बरकरार हो, जकात कैलकुलेट करने की तारीख तक बेचने की नीयत बरकरार हो। तो इससे मालूम हुआ कि अगर आपने कोई चीज खरीदते वक्त बेचने की नीयत से खरीदी, लेकिन बाद में आपकी नीयत तब्दील हो गई, बाद में आपकी नीयत जो है वो तब्दील हो गई, तो ये चीज भी माली तिजारत में दाखिल नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं माली तिजारत आपको समझ आ गई होगी कि इसमें तीन शराइत पाई जाती है कि आपने वो चीज खरीदी हो, नंबर दो खरीदते वक्त बेचने की नीयत हो, नंबर तीन जकात कैलकुलेट करने की तारीख तक बेचने की नीयत बरकरार हो, ठीक है। अब यहां पे एक आम गलत फहमी पाई जाती है, वो ये है कि माली तिजारत हम सिर्फ उस चीज को समझते हैं कि ताजिर ने अपने पास फरोख्त करने के लिए जो चीज रखी होगी, जिस चीज की वो तिजारत करता होगा, हम सिर्फ उसे माली तिजारत कहते हैं। हालांकि शरीयत की इस्लाह में अगर कोई शख्स मोबाइल खरीदता है या कोई भी चीज खरीदता है, किताब खरीदता है, लैपटॉप खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, इसी तरह प्लॉट खरीदता है, और खरीदते वक्त आगे फरोख्त करने की नीयत थी, अगरचे इसका कारोबार ये ना भी हो, तब भी ये मोबाइल जो है माली तिजारत शुमार होगा। कोई भी चीज आप खरीदते वक्त बेचने की नीयत से खरीदें, तो अगरचे आपका वो बिजनेस भी नहीं है, कारोबार भी नहीं है, तब भी वो चीज या वो मोबाइल माली तिजारत में शुमार होगा और वो ज़कातेबल एसेट्स में से होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम हुआ कि ज़कातेबल एसेट्स जो है वो चार है, सोना, चांदी, नकद रकम और माली तिजारत। तो जब हम जकात कैलकुलेट करने की तारीख में जिन चीजों को हमने कैलकुलेट करना है वो ये चार चीजें हैं, इनके अलावा बाकी चीजें हमने कैलकुलेट नहीं करना। इनके अलावा घर में जो भी चीजें मौजूद हो उन पे जकात नहीं होगी। घर का जितना भी साजो सामान है, फर्नीचर है, एसी है, फ्रिज है, गाड़ियां है इस्तेमाल के लिए, तो वो ज़कातेबल एसेट्स में से काउंट नहीं होंगे। अब माली तिजारत के हवाले से मजीद कुछ अहम बातें समझें, मिसालें हैं ये कुछ। मसलन एक बंदे ने प्लॉट खरीदा और खरीदने के वक्त से लेके जकात के हिसाब वाले दिन तक यही नीयत है कि इसको आगे फरोख्त करना है, तो ये माली तिजारत शुमार होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि प्लॉट उसने खरीदा है, पहली शर्त पाई गई, और खरीदते वक्त बेचने की नीयत भी थी उसकी, दूसरी शर्त पाई गई, और तीसरी शर्त के जकात कैलकुलेट करने की तारीख तक उसकी ये नीयत बरकरार भी है फरोख्त करने की, तो ये प्लॉट क्या होगा, माली तिजारत होगा और इसकी जकात उसने अदा करनी होगी। तो ये प्लॉट का पूरा मसला हमारा हल हो गया। उमूमन लोग पूछते हैं कि प्लॉट पे जकात होती है या नहीं, तो अगर प्लॉट अपने रहने के लिए खरीदा है, घर बनाने के लिए खरीदा है, पैसों को महफूज रखने के लिए खरीदा है, आगे बेचने की नीयत से नहीं खरीदा, तो वो माली तिजारत नहीं है, उस पर जकात लाजिम नहीं होगी। ये पूरा मसला क्लियर हो गया। यहाँ पे तो सिर्फ प्लॉट की मिसाल दी है, प्लॉट के अलावा दुनिया की कोई भी चीज, दुनिया की कोई चीज आप इसमें शामिल कर सकते हैं। गाड़ी है, खरीदते वक्त आपकी बेचने की नीयत है और जकात वाली तारीख तक बेचने की नीयत बरकरार है,
तो ये भी माली तिजारत है, इस पे ज़कात लाजिम होगी। आपके पास 10 प्लॉट है, बेचने की नीयत नहीं है, खरीदते वक्त आपकी बेचने की नीयत नहीं थी, तो अगर किसी बंदे के पास 10 प्लॉट है, बेचने की नीयत से नहीं खरीदे, तो उनमें से किसी प्लॉट पे भी ज़कात नहीं होगी। 10 गाड़ियां है, बेचने की नीयत से नहीं खरीदे, उनमें से किसी चीज पे भी ज़कात लाजिम नहीं होगी। दूसरी मिसाल देखिए, एक बंदे ने कोई चीज अपने इस्तेमाल के लिए खरीदी, बाद में तिजारत की नीयत हो गई, तो सिर्फ बेचने की नीयत करने से वो माली तिजारत में शुमार नहीं होगी, ठीक है। तीसरी मिसाल देखिए कि एक बंदे ने कोई चीज आगे फरोख्त करने की गरज से खरीदी और बाद में नीयत तब्दील हो गई और उस चीज को इस्तेमाल करने का बना लिया, तो भी वो माली तिजारत में शुमार नहीं होगी, ठीक है। ये माली तिजारत से मुतालिक चंद अहम बातें थी जो आपको बता दी। अब तीसरा सवाल हमारा है निसाब। तीसरा सवाल हमारा क्या है? निसाब। के निसाब किसे कहते हैं? निसाब वो मखसूस मकदार जिसका मालिक होने पे जकात फर्ज होती है, वो मखसूस मकदार जिसका मालिक होने पे जकात फर्ज होती है। तो हमारे पास दो निसाब है। हमारे पास कितने निसाब है? दो निसाब है। एक निसाब तो वो है जिसके जरिए जकात के लाजिम होने या ना होने का फैसला किया जाता है, जकात के फर्ज होने या ना होने का फैसला किया जाता है, एक निसाब ये है। और दूसरा निसाब वो है जिसके जरिए जकात लेने के लिए मुस्तहिक होने या ना होने का फैसला किया जाता है। दूसरा निसाब कौन सा है? जिसके जरिए जकात लेने के लिए मुस्तहिक होने या ना होने का फैसला किया जाता है कि आया फलाना शख्स मुस्तहिक है या नहीं है, जकात लेने का मुस्तहिक है या नहीं। तो आज हम पहला निसाब पढ़ेंगे कि जिसके जरिए हम फैसला करें कि जकात फर्ज है या नहीं, इसको वजूब जकात का निसाब कहा जाता है। पहले वाले को वजूब जकात का निसाब कहा जाता है और दूसरे वाले को फिरमाने अख्ज़ जकात का निसाब कहा जाता है। बहरहाल अगर नाम याद भी ना हो कोई मसला नहीं है। तो निसाब जो वजूब जकात के लिए है वो ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि जकातिबल एसिड्स हमारे पास कितने थे? 4 थे। जकातिबल एसिड्स काबिल जकात अमवाल कितने हमारे पास? 4। नंबर 1 सोना चांदी नकदी माली तिजारत, यहाँ पे लिखा है। ये जो डब्बे सफेद है मतलब वहां पे वो चीज मौजूद नहीं है, जो रंगीन है मतलब वो मौजूद है। तो अगर एक बंदे के पास सिर्फ सोना हो, एक बंदे के पास क्या है? सिर्फ सोना है, चांदी नकद माली तिजारत इनमें से कोई चीज नहीं है, सिर्फ सोना है, तो इसका फिर निसाब ये है कि अगर उसकी मकदार 7.5 तोला होगी, 7.5 तोला होगी, ग्राम में अगर आपने देखना है कि 87.47 ग्राम हो, 7.5 तोला को अगर आपने ग्राम में कैलकुलेट करना है तो 87.47 ग्राम अगर किसी के पास सोना होगा तो वो साहिब निसाब के लाएगा। 1 साल गुजरने के बाद अगर उतना सोना उसके पास मौजूद है तो उस पर जकात लाजिम होगी। लेकिन ये वो सूरत है कि सिर्फ सोना हो, चांदी नकदी माली तिजारत में से कोई ना हो। और अमूमन आजकल हमारे माशरे में ये सूरत शाज़ो नादिर पेश आती है, ये सूरत शाज़ो नादिर ही पेश आती है, क्योंकि बंदे के पास अगर सोना हो तो नकद रकम लाजिमन हर किसी ना किसी के पास मौजूद होती है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ नकद रकम मौजूद होती है। ये काफी साथियों को बार बार बताया फिर भी कैमरे ऑन करते हैं, पता नहीं समझ आती या नहीं आती। दूसरी बात, अगर किसी बंदे के पास सिर्फ चांदी हो, अभी बात थी सिर्फ सोने की बात, अगर किसी के पास सिर्फ चांदी हो तो अगर वो चांदी 52.5 तोला चांदी हो, अगर उसकी मकदार 52.5 तोला हो, ग्राम में अगर देखें
612.35 ग्राम अगर उसके पास चांदी होगा तो उस पर जकात लाजिम होगी। इसकी रकम मैंने आपको बताई कि आजकल इस साल उसकी मालियत जो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर की गई है 80,933 ये रकम मुकर्रर की गई है। तो अगर सिर्फ सोना हो उसका भी मैंने बता दिया, सिर्फ चांदी हो तो इसका भी बता दिया, ठीक है। अब आगे अगर नकदी हो या माली तिजारत हो, नकदी हो या माली तिजारत हो, तो अगर ये 52.5 तोला चांदी की मालियत की बकदर होगी यानी 80,933 रुपए की बकदर उसके पास माली तिजारत है, नकदी है, तो उस पे जकात लाजिम होगी। तो अब हमें ये मालूम हुआ कि अगर सिर्फ सोना है तो उसके लिए एक निसाब है कि 7.5 तोला होगा तो उस पर वो साहिब निसाब बनेगा और साल गुजरने पे उस पर जकात लाजिम होगी। अगर सिर्फ चांदी है या सिर्फ नकदी है या सिर्फ माली तिजारत है या चारों मिक्स है या कोई से दो मिक्स है या कोई से तीन मिक्स है, तो अगर इसकी मालियत 52.5 तोला चांदी की मालियत के बकदर होगी तो वो इंसान साहिब निसाब कहलाएगा और साल गुजरने के बाद वो जकात अदा करेगा। तो ये निसाब था जो आपको मालूम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे चलते हैं। अब जब हमारे पास ये सोना चांदी नकद रकम माली तिजारत मौजूद हो, जकात वाली तारीख में निसाब की बकदर ये तमाम चीजें हमारे पास मौजूद है, इसको हम जकातेबल एसेट्स कहेंगे। जो अमाउंट हमारे पास आएगी इनकी, वो जकातेबल अमाउंट अपने पास महफूज रखेंगे। अब इसमें से हमने कुछ चीजों को माइनस करना होता है, डिटेक्ट करना होता है, तो निसाब से मनफी की जाने वाली जिम्मेदारियां यानी लाइबिलिटीज, तो सबसे पहले जो कर्ज आपके ऊपर होगा, आपने किसी का कर्ज देना है, उसको ये जकातेबल एसेट से माइनस करेंगे। इसी तरह कमेटी की बकिया किस्तें, अगर कमेटी मिल चुकी है, आपने कमेटी जमा करवाई थी, आपकी कमेटी निकल आ चुकी है, आपने वसूल कर ली है, आपके ऊपर 3-4 किस्तें बाकी है, तो अब जो बकिया किस्तें आपने अदा करनी है वो भी आपके ऊपर कर्ज है, वो भी इस निसाब से आप माइनस करेंगे। नंबर 3, यूटिलिटी बिल्स, यानी जिस महीने में आपने जकात अदा करनी होती है उस महीने के जो बिजली के बिल है, गैस का बिल है, ETCL का बिल है, जितने भी बिल है जो उस महीने के हैं, सिर्फ उस महीने के, उसको भी आप माइनस करेंगे। इसी तरह आपने किस्तों पे कोई चीज खरीदी हुई है तो उसकी 1 साल की किस्तें जो आपके ऊपर लाजिम होती है, बकिया किस्तों में से 1 साल की किस्तें जो है वो भी माइनस कर सकती हैं। नंबर 5, आपके पास मुलाजमीन है, आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो सिर्फ उस महीने के मुलाजमीन की वाजिबुल अदा तनख्वाहें जो है वो भी माइनस कर सकते हैं। इसी तरह मकान का या दुकान का वाजिबुल अदा किराया जो है, यानी जिस महीने में आप जकात निकालते हैं उस महीने का जो किराया है वो भी आप माइनस कर सकते हैं। इसी तरह आपके ऊपर अगर हुकूमत की तरफ से कोई टैक्स आया है तो उस टैक्स को भी आप ये जकातेबल एसेट्स में से, निसाब में से माइनस कर सकते हैं। नंबर 8, अगर आपने अभी तक गुज़श्ता सालों की जकात अदा नहीं की तो वो जकात की जो रकम बनती है उसको भी आप माइनस कर सकते हैं। नंबर 9, बीवी का महर अगर अदा ना किया हो, चूंकि वो भी कर्ज होता है और अदा करने की नीयत हो, बीवी का महर अदा ना किया हो और अदा करने की नीयत भी हो, तो फिर उसको भी निसाब से माइनस कर सकते हैं। तो ये जकातेबल एसेट्स से आपने माइनस करना है, ठीक है। ये निसाब से मनफी की जाने वाली चीजें हैं जिनको आपने माइनस करना है। तो अगर आप अमूमी तौर पे आप देखें तो ये तमाम चीजें गोया कि इंसान पे कर्जे हैं, कर्जे की मुख्तलिफ सूरतें हैं,
तो खुलासे के तौर पे हम ये कहते हैं कि जो निसाब हमारे पास है, जो काबिल ज़कात अमवाल है, उनको जमा करने के बाद जो कर्जे हमारे ऊपर होंगे उनको माइनस करेंगे, उसके बाद अगर वो 52.5 तोला चांदी की मालिया के बराबर होगा तो हम साहिब निसाब रहेंगे और हम उसकी ज़कात अदा करेंगे। ठीक है, ये जो ज़कात का हिसाब लगाने की तारीख, यानी ज़कात कैलकुलेट करने की तारीख, तो जिस दिन कोई शख्स साहिब निसाब बन जाए, उसके पास सिर्फ 7.5 तोला सोना आ जाए या सोना चांदी नकदी माली तिजारत इनका मजमुआ या इनमें से बास का मजमुआ 52.5 तोला चांदी की मालियत के बकदर आ जाए और ये मकदार जो है कर्जे को माइनस करने के बाद हो, ये मकदार जो है कर्जे को माइनस करने के बाद भी बाकी रहे, तो वो शख्स साहिब निसाब बन गया। अब वो उस इस्लामी तारीख को, वो जो इस्लामी तारीख है वो अपने पास महफूज रखेगा, वो चांद की तारीख अपने पास महफूज रखेगा। अगले साल उसी तारीख को, उसी दिन को अगर ये साहिब निसाब है, यानी ये जो चार चीजें हैं सोना चांदी नकद माली तिजारत, ये निसाब की बकदर उसके पास मौजूद है, 52.5 तोला चांदी की मालियत के बकदर मौजूद है कर्जे को माइनस करने के बाद, तो जितनी भी अमाउंट मौजूद होगी, जितनी भी ज़कातेबल एसेट्स इसके पास मौजूद होंगे, वो उसकी ज़कात अदा करेगा। ठीक है, और ज़कात में चांद की तारीख का एतबार किया जाता है। ये बात याद रखनी है कि ज़कात में चांद की तारीख का एतबार किया जाता है। और ये भी एक गलत फहमी हमारे माशरे में पाई जाती है कि हर हर माल पे साल का गुजरना शर्त है। हमारे माहौल में, माशरे में ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत फहमी पाई जाती है कि ज़कात के लिए हर हर माल पर साल गुजरना शर्त है। हालांकि शरी मसला ये है कि साहिब निसाब बनने के बाद एक साल गुजरने पर ज़कात देना फर्ज होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर हर रुपए पे साल गुजरना शर्त है, बल्कि अगर कोई शख्स साहिब निसाब हो गया और उस पे साल गुजर जाए तो मतलब ये है कि हर हर रुपए पे साल गुजरना शर्त नहीं है, बल्कि अगर कोई शख्स साहिब निसाब बना और उस पे एक साल गुजर गया और ज़कात कैलकुलेट करने की तारीख से एक दो दिन पहले भी उसके पास 5 लाख या 10 लाख का माल उसके पास आ गया, अगरचे ये 10 लाख पे या 5 लाख रुपए पे अभी पूरा साल नहीं गुजरा, सिर्फ 2 या 3 दिन गुजरे हैं, तो इस रकम की भी वो ज़कात अदा करेगा, क्योंकि साहिब निसाब होने के बाद पूरा एक साल गुजर चुका है। साहिब निसाब बनने के बाद वो एक साल गुजर चुका है। और दूसरी बात मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताई कि ज़कात की कैलकुलेशन करने के लिए चांद की तारीख का एतबार होता है, शमसी तारीख का, जिसको हम अंग्रेजी तारीख कहते हैं, उसका एतबार नहीं किया जाता। चांद की तारीख का एतबार करना है, शमसी तारीख का एतबार नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर किसी मजबूरी की वजह से शमसी तारीख ही का एतबार करना हो, तो फिर 2.5% ज़कात अदा करने की बजाय 2.6% ज़कात निकालनी चाहिए, क्योंकि चांद की तारीख में और अंग्रेजी की तारीख में जो चंद दिनों का फर्क है, तो वो इस तरीके से पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा।
अब अमूमन एक सवाल यहाँ ये पेश आता है कि ज़कात की तारीख का एतबार चांद के एतबार से होगा, लेकिन अगर किसी को अपने साहिब निसाब होने की तारीख याद ना हो तो अब फिर वो क्या करे। तो सबसे पहले तो उस पर लाजिम है कि गौर फिक्र करने के बाद अगर उसे याद आ जाए तो वो तो उसकी तारीख है, लेकिन काफी गौर और फिक्र करने के बाद उसे याद नहीं आया तो अपनी तरफ से कोई तारीख मुकर्रर कर ले और आइंदा उसके मुताबिक वो ज़कात अदा करता रहे और आइंदा उसके एतबार से वो ज़कात अदा करता रहे। ठीक है, तो अगर शमसी तारीख के एतबार से उसे ज़कात अदा करनी है तो ज़कात अदा करना जायज है, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि 2.5% की बजाय 2.6% ज़कात निकालनी चाहिए, थोड़ी ज्यादा, ताकि जो 10 दिनों का या 9 दिनों का जो फर्क होता है दोनों तारीखों में वो कमी जो होती है वो पूरी हो जाए। अब यहाँ मिसाल से समझाया गया है, मसलन 10 शाबान को एक बंदे के पास 3 लाख रुपए आ गए, अब रमजान को 1 लाख मजीद आ गया, शव्वाल में 1 लाख और आ गया, ज़िलक़ादा में भी 1 लाख आ गया, प्लस हो रहा है ना, ज़िलहज्जा में भी 1 लाख आ गया और रबीउल अव्वल में 1 लाख मजीद आ गया। अब इसको काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 3 लाख 10 शाबान को, तो गोया कि रबीउल अव्वल में उसके पास 8 लाख रुपए मौजूद है। अब रजब का महीना आया, उससे 4 लाख का ये खर्च हो गया, तो अब गोया कि उसके पास 10 शाबान को 4 लाख रकम मौजूद है, अब वो ज़कात इन 4 लाख की अदा करेगा, तो गोया कि ज़कात के लिए साल के इब्तिदा को देखना होता है और साल के इंतहा को देखना होता है, ज़कात की साहिब निसाब होने की पहली तारीख को देखना होता है और आखिरी तारीख को देखना होता है। साल के दौरान जो कमी बेशी होती है, कभी माल आ जाता है, खत्म हो जाता है, कभी माल कम हो जाता है, कभी आ जाता है, तो उसका कोई एतबार नहीं है। अलबत्ता ये बात याद रखें कि अगर बिल्कुल ख़त्म हो जाए, एक बंदा साहिब निसाब बन गया, एक बंदे के पास 5 लाख रुपए आ गए, वो साहिब निसाब बन गया, अब अगर साल के दौरान कभी वो 3 लाख हो जाते हैं, कभी 2 लाख हो जाते हैं, कभी 1 लाख हो जाती है, यानी कुछ ना कुछ रकम उसके पास बाकी रहती है, तो अब अगले साल या कम रमजान को या जो भी उसकी तारीख है, जितनी रकम होगी यानी निसाब से ऊपर ऊपर, वो उसकी ज़कात अदा करेगा। लेकिन अगर ये हो जाए साल के दौरान वो 5 लाख मुकम्मल खत्म हो जाए, कोई 1 रुपया भी बाकी नहीं रहेगा, तो अब ये शख्स साहिब निसाब नहीं रहा, अब ये शख्स साहिब निसाब नहीं रहा। अब जब दोबारा उसके पास रकम आएगा, रकम आएगी इसके पास, तो उसके बाद नई तारीख इसकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब ज़कात का हिसाब लगाने का तरीका एक और, तो ज़कातिबल एसेट्स जो हमारे पास है, ज़कातिबल एसेट्स यानी सोना चांदी नकदी माली तिजारत, उन सबको हमने जमा करना है। ठीक है, उसमें से माइनस करना है हमने लाइबिलिटीज को, कर्जे वगैरह जो मैंने आपको बता दिए वो लाइबिलिटीज हमने वो माइनस कर लेने हैं। ठीक है, तो हमारे पास ज़कातिबल अमाउंट जो है वो हमारी निकल आ जाएगी, ज़कातिबल अमाउंट जो है वो हमारी निकल आ जाएगी। तो ज़कातिबल अमाउंट को जब हम तकसीम करेंगे 40 पर, तो हमारी ज़कात निकल आएगी जो हमने ज़कात अदा करनी है। तो काबिले ज़कात जो असासे हैं उनको जमा करना है, उनकी मालियत को, उसमें से जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, कर्जे वगैरह हम पे, उनको माइनस करेंगे तो काबिले ज़कात मालियत निकल आ जाएगी। तो काबिले ज़कात मालियत जो है उसको हम तकसीम करेंगे 40 पे, तो वाजिबुल अदा ज़कात आ जाएगी। मसलन मिसाल के तौर पर हमारे ज़कातिबल एसेट्स जो है वो 10 लाख है, हमारी ज़कातिबल एसेट्स क्या है वो 10 लाख है। ठीक है, तो हमने ये एक जगह एक साइड पे लिख दिया, और हमारे ऊपर जो लाइबिलिटीज कर्जे वगैरह है वो 9 लाख है,
तो अब 10 लाख में से 9 लाख को मैनेज करेंगे, 1 लाख बाकी बच जाएगा, तो ये 1 लाख जो है ये हमारे लिए जकातिबल अमाउंट है, काबिल जकात मालियत है। अब इस 1 लाख को जब हम 40 पे तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारी जकात जो हम पे लाजिम है वो निकल आ जाएगी। तो 1 लाख पे 2500 रुपये जो है वो जकात बनती है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा सेशन जो है वो मुकम्मल हो गया। बकिया जो सवालात हैं जो आपको शेरों में दिखाए थे कि मुस्तहिक ज़कात कौन है और कर्ज और शेयर्स पे ज़कात के अहकाम क्या है और कारोबार की जदीद सूरतें उन पे ज़कात के क्या अहकाम है, और आखिर में एक फॉर्म भी आपको दिया जाएगा जिसमें आप सहूलत के साथ आसानी के साथ अपने ज़कातेबल एसेट्स को जमा कर सकेंगे और उसमें जो लाइबिलिटीज है वो आप मैनेज कर सकेंगे, आसानी से आप अपने ज़कात को कैलकुलेट करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए और इस कोर्स को, इस सेशन को हमारे लिए आसान फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।